मॉडर्न प्लैनेट्स को अभी भी बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किया गया है। इंडिया में तो खासतौर पे हम ध्यान इन पर देते नहीं हैं। हमारा अपना सिस्टम बहुत अच्छा है, वी डोंट नीड दोज प्लैनेट्स एज सच। लेकिन उनके बारे में पढ़ना और उनके साथ इवेंट्स को कोरिलेट करना मुझे अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं जब भी कुछ मूवमेंट होती है तो मैं उसके वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए बनाती हूँ। अगर आप लोग मॉडर्न प्लैनेट्स में नहीं मानते हैं या उसमें स्टडी नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ बदलेगा नहीं आपके जीवन में। लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो शायद आपको कोई नई जानकारी और कोई नया रास्ता मिल जाए। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट यूरेनस रेट्रोग्रेड, यानी कि अरुण, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है यूरेनस को, वो वक्री होने वाले हैं जल्दी ही 1 सितंबर को। तो उसके बाद क्या होगा हमारी जिंदगी में, विल फिगर दैट आउट टुडे। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं यूरेनस रेट्रोग्रेड के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसके वीडियोज अच्छे लगते हैं, या मेरे तरह से या मेरी तरफ से कभी भी आपकी थोड़ी सी भी मदद हुई है, तो प्लीज मेक श्योर कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उसके वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। VIP की तरह सारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं, या फिर आप मेरे कोर्सेज एंड कोचिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं मेरे स्टाइल का, तो फिर आप मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी जा सकते हैं। चलिए अब यूरेनस की बात करते हैं। यूरेनस मॉडर्न ग्रहों में से पहला है, और ये जो ग्रह है ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ, यूनिक चीजों के साथ, अचानक से बदलने वाली चीजों के साथ जुड़ा हुआ होता है। यूरेनस थोड़ा इसेंट्रिक प्लैनेट माना जाता है। इनफैक्ट आप इसे आकाश में भी देखेंगे तो सारे ग्रह ऐसे घूमते हैं, यूरेनस ऐसे घूमता है, तो उसका जो रोटेशन है वो थोड़ा यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट है। इसी वजह से यूरेनस को हर बार यूनिक अलग चीजों के साथ जोड़कर देखा जाता है। परिवार में जो ब्लैक शीप होती है, वो व्यक्ति जो परिवार से थोड़ा अलग सा होता है, जिसका नेचर, जिसकी थिंकिंग सबसे अलग होती है, जो थोड़ा सा सनकी सा भी कह सकते हो आप, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो हमेशा यूरेनस के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई माय बिजनेस इज आल्सो नेम्ड आफ्टर यूरेनस। दैट्स अ सीक्रेट आई टोल्ड यू टुडे। एनीवे, सो जो यूरेनस होता है ये इसी प्रकार का ग्रह होता है। इट्स अबाउट न्यू थिंग्स, फ्रेश थिंग्स, वो चीजें जो अभी तक सोची नहीं गई, वो चीजें जो अभी तक करी नहीं गई, वो चीजें जिन पर आपका ध्यान नहीं गया या फिर आप करना नहीं चाहते क्योंकि आप डरते हो, राइट? सो यूरेनस रेट्रोग्रेड होने वाला है 1 सितंबर को, और यूरेनस का रेट्रोग्रेशन 152 दिन तक चलने वाला है। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग रेट्रोग्रेशन, ओके? 152 दिन में ये 1 सितंबर से लेकर 13 दिसंबर तक ये वृषभ राशि यानी टॉरस में रहेंगे, और 13 दिसंबर से लेकर फिर 30 जनवरी तक ये मेष में रहेंगे। तो आप नोट कर रहे हैं कि ये पीछे की ओर जा रहे हैं। ये स्पेशल पोजिशन होती है जिसे महावक्री कहा जाता है। महावक्री में क्या होता है, प्लैनेट ना सिर्फ पीछे जा रहा होता है बल्कि अपने पिछली राशि में ही चला जाता है। तो जैसे आप नोट करेंगे अभी शनि वक्री हैं, तो वक्री होकर भी रहेंगे कुंभ राशि में ही, तो ये सामान्य वक्री हुआ। महावक्री अभी हमने बुध को होते हुए देखा था जब वो लियो राशि यानी सिंह राशि से वापस कर्क राशि में चले गए, तो ठीक वैसे ही अभी यूरेनस के साथ भी होगा। वो कहां थे, वृषभ राशि में, और उल्टा चलते हुए वो पिछली ही राशि में चले जाएंगे। इससे हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलेंगे। सो यूरेनस के बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं वो राशि वाइज भी नहीं होते, इसको याद रखना। इसके जो सबसे बड़े चेंजेस होते हैं, सबसे बड़े जो इवेंट्स होते हैं, वो सबके साथ होते हैं। आपका राशि, नक्षत्र, लग्न कौन सा है कोई फर्क नहीं पड़ता, यूरेनस का असर आप पर लगभग बराबर ही पड़ रहा होता है। ऑलराइट, इन सम सिचुएशंस ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट मोस्टली बराबर पड़ रहा होता है हम सब पे। तो इस बार जब यूरेनस वक्री होंगे, इट विल बिकम अ टाइम ऑफ इरेजर। इरेजर का मतलब क्या होता है कि चीजें अब मिटेंगी, खराब होंगी, खासतौर पे ऐसी चीजें जो कि अभी अभी बनाई गई हैं, जैसे किसी की इमेज अभी अभी बनाई गई है ना, अभी अभी उसके बारे में बहुत सारे अच्छी बातें, अरे भाई ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, शी इज द बेस्ट पर्सन, ही इज द बेस्ट पर्सन, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, वो इमेज अचानक से इरेज हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, सडनली इट विल जस्ट स्टार्ट रिवर्सिंग। हाँ, अगर किसी की इमेज वैसे ही है जैसे वो है, ऑथेंटिक इमेज है कि ये तो भाई ऐसा ही है, टेक इट और लीव इट, तो उसके साथ कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जिसकी इमेज क्रिएट की जा रही है, जिसके बारे में बातें बनाई जा रही हैं, जिसको लेकर कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है,
वहां पर हो जाएगी दिक्कत एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट गेटिंग इरेज्ड, ये जरूर होगा। ठीक, दूसरी चीज ये है कि जो भी काम मन से नहीं हुए हैं, जो काम सिर्फ करने के लिए हुए हैं कि चलो ठीक है, वो काम बिगड़ जाएंगे, वो वापस वहीं स्क्वायर वन पे चले जाएंगे। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कोई दो देश हैं, नहीं बनती उनके आपस में, देश ए और देश बी, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं हर वक्त, लेकिन अब कोई बाहर की चीज आई या कोई कारण हुआ ऐसा जिसकी वजह से अब वो जबरदस्ती कि हाँ चलो ट्रेड कर लेते हैं, जबरदस्ती हाँ चलो जी गले मिल लेते हैं, ये वाला सीन है। लेकिन जब उनकी नहीं बनती तो नहीं बनती, जैसे ही यूरेनस वापस जाना शुरू करते हैं यानी वक्री होना शुरू करते हैं, खास तौर पे तब जब वो चले जाते हैं मेष राशि में, उस समय पर हालात ऐसे बनेंगे, वापस वहीं स्क्वायर वन पे आ जाएंगे और जो उनके मन में असल में है ना दैट आई डोंट लाइक यू, वो फिर निकल के बाहर आना शुरू हो जाएगा। ऐसा बहुत सारी राशियों का होगा, स्पेशली जिन लोगों की राशि स्कॉर्पियो है, जेमिनी है, कैंसर है, आप नोट करोगे कि आपके मन में जो बात है तब पाक से बाहर निकल कर आ रही है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आपको खुद भी नहीं पता लगता कि आपके मुंह से कब क्या बात निकल गई, लेकिन निकल जाएगी, तो ऐसा हो सकता है। सो यू नो, जो भी हम ऑथेंटिक है, जो हम रियल हैं, वो निकल कर बाहर आने वाला है। अगर आपका रिश्ता है किसी के साथ, फ्रेंडशिप है, मान लीजिए रिलेशनशिप है, शादी है, कुछ भी है, आपके झगड़े हैं, आप एक दूसरे को पसंद नहीं करते, आपको एक दूसरे से नफरत है, यू कैन जस्ट कांट स्टे विद ईच अदर। ठीक, अब ऐसे में आपने एक साथ रहना मंजूर किया फॉर वेरियस रीजंस कि चलो कोई बात नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए कुछ हो जाएगा, दिवाली मनाने के लिए कोई हो जाएगा, फोटो खिंचवाने के लिए कोई साथ में हो जाएगा, दुनिया के सामने दिखाने के लिए कोई साथ में हो जाएगा, तो आपने क्या किया, चीज अपने ऊपर थोपी है ना। जैसे ही अपने ऊपर आपने वो चीज थोपी और यूरेनस यहाँ रेट्रोग्रेड होना शुरू हुए, वैसे ही वो जो आपने अपने ऊपर जो एक बोझ टांग रखा था, एक फसाड बना रखा था ना, दुनिया के सामने एक पर्दा डाल रखा था, उस पर्दे को धीमे 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 करके यूरेनस हटाना शुरू कर देंगे और जो एक्चुअल रियलिटी है वो बाहर आएगी। तो हो सकता है कि आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, यू लव ईच अदर, आपका रिश्ता बहुत गहरा है, लेकिन ऊपर ऊपर से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती है, मिसकम्युनिकेशन बहुत होता है, वो भी दिख जाएगा। और अगर आप ऊपर ऊपर से बड़ा प्यार जताते हो एक दूसरे से और अंदर ही अंदर आपके मन में खोट है, यानी मुंह में राम है और बगल में छुरी है, वो भी दिख जाएगा। तो यूरेनस ऐसे पर्दा हटा देते हैं आंखों के सामने से कि अब देखो दिस इज द रियलिटी, और हमेशा होता इन ऑथेंटिक केसेस में ही है, ऑथेंटिक केसेस में नहीं होता, राइट? तो इस तरह की चीजें इस समय पर बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। एंड रिमेंबर द मोर ऑथेंटिक यू आर, अपने लिए आप जितने सही हो, अपनी बातों को लेकर, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहती हूँ, मेरी जिंदगी के गोल्स क्या है, व्हाट डू आई वांट टू अचीव, मैं कैसे जीना चाहता हूँ, जब अगर ये चीजें आपकी क्लियर है तो यूरेनस रेट्रोग्रेड से आपको एटलीस्ट तकलीफ नहीं होगी, उल्टा आपको लोगों के रंग नजर आने लगेंगे। लेकिन अगर आप खुद में ही श्योर नहीं हो तो आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होगी, आपके वर्क प्लेस में प्रॉब्लम होगी, हर जगह प्रॉब्लम होगी। वर्क प्लेस में आपको नहीं पसंद ये काम, यू डोंट लाइक इट, यू डोंट वॉन्ट टू डू इट, आपका दिल दुखता है, यू नो योर सोल डाइज when you go to work at this place, toxic है या बस suit नहीं कर रहा आपको, आपको नहीं मन करता वहां पर जाने का, फिर भी जाए जा रहे हो, जाए जा रहे हो, जाए जा रहे हो, आपकी तबीयत खराब होगी, फर्स्ट थिंग फीवर्स आने शुरू होंगे आपको, एंड आपको एक वार्निंग मिलेगी कि रुक जा। अब अगर आप थोड़ा और यू नो उसको गहराई से समझना चाहते हैं तो समझिए, पिछले साल अक्टूबर नवंबर में, यानी अक्टूबर नवंबर 2023 में ग्रहों ने बहुत सारे लोगों को वार्निंग्स दी थी। पीछे मुड़कर देखिए, बहुत लोगों को वार्निंग्स मिली थी, बहुत लोगों को कहा गया था कि ठीक नहीं है, इसको मैनेज करो, दिस इज नॉट करेक्ट, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, मैनेज करो इसे, एंड अनडाउटेडली बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया था मैनेज, दे वर फाइन। तो जिन लोगों ने मैनेज कर लिया था ना, वो इस साल अप्रैल आते आते सेटल हो गए थे, यानी 6 महीने के अंदर वो लोग सेटल हो गए थे, मामला उनका एकदम ठीक हो गया था। जिन लोगों ने नहीं समझा, जिन्होंने केवल आवरण डाल दिया, यानी अगर कोई मान लीजिए कोई चीज खराब है, राइट, कोई चीज टूट गई है तो कारपेट के नीचे डाल दी, उन्होंने बोला चलो जी कोई बात नहीं, कारपेट के नीचे है, दिख तो नहीं रहा पर पैर तो कभी भी पड़ सकता है ना आपका, अब पड़ेगा पैर आपका वहां पर और वो आपको चुभेगा। तो अगर आपने पिछले साल अक्टूबर नवंबर में कोई वार्निंग मिली आपको, आपको बताया गया ग्रहों के द्वारा, संकेत मिले कि भैया नहीं करो ये चीज, और आपने फिर भी किया, तो फिर ये चीजें अब आके आपको और तंग करेंगी। तो अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ, जो चीज आपकी काम की नहीं है उसको पीछे छोड़ना सीखो। देखिए मैं आपको एक बहुत पर्सनल बात बताती हूँ, इट्स अ वेरी पर्सनल ओपिनियन ऑफ माइंड, आप अग्री नहीं करते तो कोई बात नहीं, बट
आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ओपिनियन, कभी वक्त मिलेगा तो इस बारे में बात करेंगे। हमारे देश में ना इंडिविजुअलिटी की कोई जगह नहीं है, वी आर नॉट इंडिविजुअल्स। होता क्या है, हमारे हमारे साथ ठप्पे जुड़े हुए होते हैं, लेबल्स जुड़े हुए होते हैं बहुत सारे। ये इस परिवार का है तो ऐसा करेगा, ये इस जाति धर्म का है तो ऐसा होगा, ये इस कम्युनिटी का है तो ऐसा होगा, ये इस राज्य का है तो ऐसा होगा। तो ये हमारे साथ बहुत सारे लेबल्स जुड़े होते हैं और हम हर वक्त अपने आप को उन्हीं लेबल्स के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं, उससे अलग नहीं होना चाहते हम लोग। हमें पता ही नहीं है कि उन लेबल से अलग भी कुछ हो सकता है, तो ऐसे में हम उससे अलग छटक कर जाना नहीं चाहते। और कुछ लोग नेचुरली फिट इन नहीं करते, राइट, दे जस्ट नेचुरली डोंट फिट इन। वो अपने परिवार की परंपराओं के साथ नहीं फिट करते, वो अपने स्टाइल जो भी उनका कम्युनिटी का स्टाइल है नहीं फिट करते, उनका कहीं और जा रहा होता है दिमाग, कहीं और ही उनका सेटलमेंट होता है, कहीं और ही उनकी बुद्धि उन्हें ले जा रही होती है। ऐसा होता है, इट्स वेरी नेचुरल, और इन्हीं लोगों की वजह से प्रोग्रेस होती है, वरना रिजिडिटी हो जाएगी ना। तो प्रोग्रेस इन्हीं लोगों की वजह से होती है। तो ये लोग अगर अपने आप को बांध कर रखते हैं, ये लोग क्या, कोई भी इंसान अगर ग्रुप के लिए जरूरत से ज्यादा पर्सनल सैक्रिफाइसेस कर रहा है तो वो दुखी ही रहेगा। अगर आप ये कहो कि मैंने जिंदगी भर दूसरों के लिए किया, मैंने खुद के लिए कुछ नहीं किया, तो डेफिनेट सी बात है आपको कुछ मिला भी नहीं होगा, नहीं मिला होगा, क्योंकि आपने कभी खुद के लिए कुछ किया ही नहीं। व्हाई डू यू अज्यूम अदर पीपल आर गोइंग टू डू थिंग्स फॉर यू? एज एन इंडिविजुअल आप खुश क्यों नहीं रह सकते हो? एज एन इंडिविजुअल अपनी चॉइसेस को आप फॉलो क्यों नहीं कर सकते हो? क्या वजह है चॉइसेस को फॉलो ना करने की? तो ये सब चीजें हम समझते नहीं है, ये इंडिविजुअलिटी हमारे समझ में नहीं आती है। तो हमें समझ में नहीं आती, जो ग्रुप कर रहा होता है हम भी वही करते हैं। अब सबको खास तरीके से दिवाली मनानी है तो हम भी वैसे ही मनाएंगे, पूरी दुनिया को प्री वेडिंग शूट करना है तो हमें भी प्री वेडिंग शूट करना है, क्यों कहीं पीछे ना रह जाए, ऐसा ही होता है। What do you mean, ऐसा ही होता है? If you don't want to do it, don't do it. So, इस तरह के लोग होते हैं, राइट? एंड दे मस्ट ऑलवेज प्रिजर्व देयर आइडेंटिटी, दे मस्ट ऑलवेज प्रिजर्व देयर सेंस ऑफ सेल्फ। नहीं करते हो तो फिर अंदर ही अंदर आपको तकलीफ होती है, अंदर ही अंदर परेशान होते हो, और वो हमारे लिए जहर बन जाता है, विष बन जाता है वो हमारे लिए। तो ऐसे नहीं होने देना। यू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, ठीक? आप बड़ों की इज्जत करते हो, कूल, लेकिन क्या आप बड़े अगर गलत हो तो उन्हें बता सकते हो? सुपर कूल, लॉजिक के साथ बताओ, बिना डिसरिस्पेक्ट किए बताओ, पर बताओ, ठीक है? क्या आप सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाहते हो? कूल। परिवार का बोझ उठाना चाहते हो? अनकूल, डोंट डू दैट। जिम्मेदारी उठाने में और बोझ उठाने में फर्क होता है। जिम्मेदारी मर्जी से उठाई जाती है, बोझ जो है वो मर्जी से नहीं उठाया जाता, वो जबरदस्ती उठाया जाता है, क्योंकि हमें महसूस होता है दैट वी डोंट वांट टू डू दिस। तो जब हम कुछ काम करना नहीं चाहते, कोई रिश्ता निभाना नहीं चाहते, तो वो बोझ होता है, और जब हमारी इच्छा होती है तो वो हमारी जिम्मेदारी होती है। तो ये छोटी सी चीज है जो आपको समझनी चाहिए। यूरेनस यही चीज आपको इस बार समझा के जा रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि भाई ऐसा करो, मैं वापस आ रहा हूँ एरीज की तरफ, आओ ट्रेन में बैठ जाओ, आप भी अपना ऑथेंटिक सेल्फ पहचानो, आप भी दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश करो, आप भी अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश करो, और जब ये कोशिश करोगे तब डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। ट्रस्ट मी, इट विल हैपन। होता है लोगों के साथ, आपके साथ भी होगा, ठीक है? लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी उसके लिए। जब कोशिश करोगे, यूरेनस आपको आगे बढ़ाकर टॉरस में ले जाएंगे, एंड देन यू विल रीच अ न्यू स्टेज, जहां पे आप अपने लिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए फाउंडेशन को क्रिएट कर सकते हो। एंड इजंट दैट वंडरफुल, है ना? आई नो इट इज। तो इसलिए ऐसा करना शुरू कर दीजिए। जबरदस्ती बोझ मत उठाना, जिम्मेदारी जरूर उठाना। सो सोचो इस बारे में, बहुत गहरी बात है। तो जो समझेगा उसकी बल्ले बल्ले, और जो नहीं समझेगा उसके साथ क्या होगा, बस जैसे जीते हो वैसे जीते रहो। ऐसे करना नहीं है वैसे। आप अगर मेरा चैनल देखते हो तो आप ऐसे हो नहीं, आई एम श्योर। तो चेंज जरूर करना है, अपने हाथ से करना है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है, एंड वी हैव टू बी बेटर। ऑलराइट, गुड लक, टेक केयर।